वरना रुखसार ने मेरे सामने सो जाना है यहाँ पे। पहलवान को प्यार कैसे हो सकता है? आज जब वो 207 किलो उठाते हैं तो वो वेट उनकी गर्दन पे गिर जाता है। आप में से किसी ने मेरा शो जो मैंने शुरू किया था बॉम्बे में पुरानी जीन्स सुना है किसी ने? Yes. सुना है? Yes. आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही है मुझे बताते हो ये वही पुरानी जीन्स है जिसे पहनकर मैंने 2009 में शो शुरू किया था। आज मैं आपको प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक वेट लिफ्टर की। वेट लिफ्टर, आपको नहीं लगता ना वेट लिफ्टर को प्यार कैसे हो सकता है? पहलवान को प्यार कैसे हो सकता है? और यही प्यार की खूबी है। प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इश्क से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सारे धर्म सो कॉल्ड बांटने का काम करते हैं, मेरे हिसाब से इश्क जोड़ने का काम करता है। सारे धर्मों में विभाजन है, ये है ये है। इश्क किसी को भी हो जाता है, धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब नहीं देखता, पहलवान है कि नहीं है वो भी नहीं देखता। इश्क किसी को भी हो जाता है, ये सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है। जर्मनी के एक वेटलिफ्टर, नाम उनका माथियस स्टाइनर, आज उनकी कहानी सुना रहा हूं। माथियस स्टाइनर और उनकी पत्नी, पत्नी का नाम सूसन, जिससे बहुत प्यार करते थे, शादी की और शादी के बाद भी उनका प्यार कायम रहा। अच्छी बात। अब कोई भी एथलीट, एक जो एक पर्टिकुलर लेवल पे एक एथलीट जब कंपीट करता है तो उसका सपना होता है कि मैं ओलंपिक जाऊं, ओलंपिक्स में जाके मैं एक मेडल जीतूं। ठीक है, तो माथियस का भी यही था, जर्मनी का वेटलिफ्टर था, अच्छा वेटलिफ्टर था, तो उसका भी सपना यही था कि 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक्स आने वाला है वहां पर जाके मैं गोल्ड मेडल जीतूं। माथियस के गोल्ड मेडल के सपने को सूसन ने अपना सपना बना लिया है। ट्रेनिंग शुरू कर दी, उसके खाने पीने का ख्याल रखना, उसकी ट्रेनिंग का ख्याल रखना। माथियस के हर छोटे बड़े ट्रेनिंग के सेशन में सूसन उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही थी। सपना एक ही था कि 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में माथियस स्टाइनर वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतेंगे। ट्रेनिंग चल रही थी, एक दिन माथियस के खाने को पैक करके दिया, माथियस अपनी ट्रेनिंग पे निकल गए, सूसन अपने ऑफिस के लिए निकली, लेकिन ऑफिस पहुंची नहीं क्योंकि बीच में ही कार क्रैश में सूसन की मौत हो गई। शी डाइड ऑन द स्पॉट, शी डाइड। जब माथियस तक ये खबर पहुंची तो वो बिल्कुल टूट गया, बिल्कुल बिखर गया, उसने वेट लिफ्टिंग करनी छोड़ दी। ही सेड नाउ आई विल नॉट डू वेट लिफ्टिंग, आई नॉट लिफ्ट दीज वेट्स अगेन। ओलंपिक तो बहुत दूर की बात थी, अभी तो ट्रेनिंग करने का ही मन नहीं था। एक दिन अपने घर पे जब वो उदास बैठा हुआ था तो माथियस को सूजन से किया हुआ एक वादा याद आया। जब सूजन मौत की बिल्कुल काकार पे खड़ी थी, उससे एक दिन पहले ही उसने वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, गोल्ड मेडल तुम इस ओलंपिक्स में जीतकर इस घर पर आओगे। वही बात जो उसको याद आई, उसने एक अलग एनर्जी डाल दी माथियस के अंदर और माथियस स्टाइनर वापस वेटलिफ्टिंग की ट्रेनिंग करनी शुरू कर देते हैं। ठीक है साहब, 2008 बीजिंग ओलंपिक्स का वक्त आता है, दुनिया भर के एथलीट्स आते हैं अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। माथियस स्टाइनर भी अपनी कंट्री जर्मनी को रिप्रेजेंट करता हुआ वहां पे पहुंचता है और वो दिन आता है जब वेटलिफ्टिंग की कैटेगरी में उसका कंपटीशन शुरू हो जाता है। अब शायद आप वेटलिफ्टिंग के उतने डायनामिक्स ना जाने, पर फिर भी मैं कोशिश करके बताने की समझाने की कोशिश करूंगा। सारे के सारे वेट लिफ्टर्स, पहला वेट उठाना है 198 केजीज, पहला अटेम्प्ट। माथियस स्टाइनर जाते हैं, बड़ी आसानी से 198 केजीज उठाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा अटेम्प्ट 203 किलो का, 203 किलो का वो अटेम्प्ट करते हैं, वेट उठाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही करते करते वेट बढ़ता रहता है और जैसे जैसे वेट बढ़ता रहता है, जो जो उसको सक्सेसफुली उठाते रहते हैं वो मेडल की पायदान में ऊपर बढ़ते रहते हैं। अगला वेट था 207 किलो, जो माथियस स्टाइनर ने कई बार उठाया हुआ था, लेकिन आज जब वो 207 किलो उठाते हैं तो वो वेट उनकी गर्दन पे गिर जाता है और उनके लिए वो फेल्ड अटेम्प्ट हो जाता है और मेडल की पायदान में वो काफी नीचे आ जाते हैं। बाकी लोग ऊपर बढ़ चुके हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज
अपनी अपनी जगह पक्का कर चुके हैं, माथियास टॉप टीम में कहीं पे भी नहीं है। वो अपने कोच से आके पूछते हैं कि अगले अटेम्प्ट में मैं कितना वजन उठाऊं कि मैं अपनी इस पोजीशन को अच्छा करके एटलीस्ट टॉप टीम में तो आ जाऊं। तो उनके ट्रेनर ने उनको बताया, अगर तुम 235 किलो 235 केजीज उठाते हो तो तुम टॉप 3 में आ सकते हो, चांस है। लेकिन 235 किलो माथियास ने सिर्फ एक बार वार्म अप में आधा उठाया था, पूरा भी नहीं उठा पाए थे। पूरा मतलब जब आप वजन को अपने सर के ऊपर उठाते हैं वो पूरा कंधे तक उठाया वो आधा कहलाता है, हाफ लिफ्ट। 235 किलो हाफ लिफ्ट किया था, कहते हैं ठीक है 235 किलो उठाते हैं। माथियास स्टाइनर 235 किलो उठाने के लिए जाते हैं और वो वेट उनके हाथ से फिसल जाता है और वो अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है। अब गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज पक्के हो चुके हैं, माथियास स्टाइनर नंबर 5 पे हैं और सबके पास अब एक लास्ट अटेम्प्ट बाकी है वजन को उठाने का। 246 केजीज, अभी तक तो 235 था जो उनका स्लिप हुआ था, फेल्ड अटेम्प्ट था। उनकी कोच से बातचीत में मालूम चलता है अगर वो 246 केजीज उठा लेते हैं तो वो सीधा गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। 246 केजीज का अटेम्प्ट बाकी सब वेट लिफ्टर्स ने एक एक करके किया, सब अपने अटेम्प्ट में फेल हो गए। उन्हें इस बात की इतनी चिंता इसलिए नहीं थी क्योंकि अपनी अपनी गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तो पक्का कर चुके थे ना, तो उन्हें इस बात की इतनी चिंता नहीं थी। लेकिन माथियास स्टाइनर नंबर 5 पे थे और बीवी को किया हुआ गोल्ड मेडल का वादा भूले नहीं थे। वो 246 केजीज लगाते हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं उठाया और बाकी किसी वेट लिफ्टर ने भी नहीं उठाया। माथियास स्टाइनर अपने आखिरी अटेम्प्ट मेक और ब्रेक में जाते हैं और 246 केजीज अपनी जिंदगी में पहली बार ओलंपिक के प्लेटफॉर्म पे उठा देते हैं एंड ही गॉट द गोल्ड मेडल। नाउ माथियास स्टाइनर को जब बाद में इंटरव्यू किया गया इस गोल्ड मेडल के बारे में तो उनका कहना है कि उनको ऐसा लगा क्योंकि उन्होंने जिंदगी में 235 केजीज जिसने नहीं उठाया था वो 246 केजी उठा रहा है, वो भी प्रेशर में, प्रेशर कंडीशन में। तो माथियास स्टाइनर का कहना यह था कि शायद उस दिन उस वेट लिफ्टिंग के बार पे सिर्फ मेरे दो हाथ नहीं थे, चार हाथ थे, तभी वो वेट उठा, सूजन उनके साथ में थी। एंड वेन यू गो एंड सी द मेडल सेरेमनी आपका दिल पसीज जाएगा जब आप वो देखेंगे क्योंकि उस पोडियम पे जब नंबर 1 पे वो खड़े हुए गोल्ड मेडल लेने के लिए तो वो अकेले नहीं गए, वो अपनी बीवी सूजन की तस्वीर अपने हाथों में लिए खड़े थे और गोल्ड मेडल ले रहे थे। दैट वाज इट। सो दिस इज व्हाट यू से, प्यार की ताकत, जो ताकत जिसे कहते हैं, वेट लिफ्टर वाली ताकत नहीं, ये प्यार की ताकत है जो आपको बहुत चीजें करने को इंस्पायर कर सकती है। इफ यू हैव अ लव लाइक दैट इन योर लाइफ डोंट लेट दैट पर्सन गो। हो गया आपके साथ ये? मेरे को 8 years हो गए। 8 years है? शादी भी हम दोनों ने की। अच्छा। फिर उसके बाद जब मेरी बेबी हुई तो उसके बेबी होने के 2 साल बाद जब बेबी मेरी 2 साल की हुई तो डाइवोर्स हो गया बिकॉज वो किसी और को लव करने लगा। ठीक है। इस वजह से तो फिर मतलब बहुत मतलब ऐसा मतलब आज उस डिवोर्स होने के बाद कोई भी मेरे को बहुत लोगों ने प्रपोज किया लेकिन मैंने किसी का एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मुझे ट्रस्ट, मैं किसी पे ट्रस्ट ही नहीं होता। डिवोर्स के बाद आपको बहुत लोगों ने, हाँ मतलब ट्रस्ट ही नहीं होता किसी पे कि हाँ बंदा क्या है कैसे सही है, मेरे साथ फिर से वैसा कहीं ना हो जाए ऐसा, क्योंकि बिकॉज मेरे पास अब मेरी बच्ची है। हाँ तो इस वजह से मुझे ये डर लगता है कि हाँ कोई मतलब पहले मुझे वो बंदा जिसे मैं इतना चाही, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करी, वो मेरे को छोड़ दिया किसी और की वजह से, तो ये सब क्या है, ये सब तो छोड़ देंगे मेरे को क्या पता। सभी छोड़ देंगे मतलब किसी पे मतलब ट्रस्ट ही नहीं होता मेरे को, पता नहीं क्या हो गया है। नहीं नहीं बिल्कुल सही है, ऐसा हो जाता है, दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच हैपेंस। जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आपको कई लोगों को प्यार से विश्वास उड़ जाता है, लड़कियों को लड़कों से विश्वास उड़ जाता है,
आपने आपने कभी गरम गरम गुलाब जामुन खाया है? बिल्कुल गरम गरम गुलाब जामुन। हाँ। जिसको कभी कभी खाते हैं तो जवान जल जाती है, जलिए। फिर उसके बाद आपने कभी गुलाब जामुन खाया या छोड़ ही दिया? उसके बाद कहा अब तो जिंदगी भर गुलाब जामुन खाएंगे नहीं, आज तो जबान जल गई, आज के बाद गुलाब जामुन खाया है, उसके बाद खाया ना उसके बाद। बस समझ जाओ फिर क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, एक बार जल गई जबान, ठीक है, कुछ नहीं होता। जब कुछ होता है ऐसा तो उससे आदमी सीख के निकलता है। मुझे लगता है कि आफ्टर दैट ब्रेकअप आई एम अ बेटर पर्सन इन लाइफ नाउ। ऐसा नहीं कि मुझसे और गलतियां नहीं हुई, मुझसे बहुत उसके बाद भी गलतियां हुई, मैंने भी खराब ब्रेकअप किए हैं लोगों के साथ में, बट आप सीखते जाते हो। कोई एंड पॉइंट नहीं है, इट्स लाइक अ व्हील, ना कोई स्टार्ट है ना कोई एंड है, बस चक्का चलते जाएगा। आप भी यूं चलते जाओ, मस्ती करते जाओ लाइफ में, क्यों सर? ठीक है, गारंटी किसी भी चीज की जो नेक्स्ट आएगा उसकी भी गारंटी नहीं है। कॉफी की ब्रेक ले लेते हैं, वरना रुखसार ने मेरे सामने सो जाना है यहाँ पे मेरे मुंह पे। इतने देखना नहीं कि मैं कहानी सुना रहा हूँ, मेरे मुंह पे धाड़ मुंह मार के सो जाना है। स्टोरीज जो बता रहे हो नरेट करना, इसका इंस्पिरेशन क्या है? लाइक आप यार ये तुमने तुमको पैसे दिए सवाल के? फाइनेंस के ऊपर कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं बताते हैं कि कैसे आपको अपना पैसा 5 साल में 5 गुना कर सकते हो। ठीक है, नहीं अच्छी बात है, पैसे की जरूरत सबको होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है आपकी जिंदगी का। रिटायरमेंट का फंड कैसे, आज 20 साल की उम्र में कैसे रिटायरमेंट का फंड जमा करना है, उन्हें नहीं पता ये जिंदा भी रहेगा कि नहीं रिटायरमेंट तक, लेकिन रिटायरमेंट का फंड जमा कर लो, ठीक है चलो, वो भी अच्छी बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैसा एक इंपॉर्टेंट पिलर है आपकी लाइफ का। करियर, बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पढ़ाते हैं, UPSC की तैयारी करा रहे हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं संदीप महेश्वरी जी, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं आपकी ज़िंदगी के। लेकिन हमारा मानना है कि अगर ज़िंदगी 4 पिलर्स पे खड़ी है, उसमें से कोई एक फाइनेंस है, कोई एक करियर है, कोई एक मोटिवेशनल है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर जो है वो है प्यार, मोहब्बत और रिश्ते, लव एंड रिलेशनशिप्स। साला लव पे कोई बात ही नहीं कर रहा, रिश्तों पे कोई बात ही नहीं कर रहा, स्कूल में सेक्स एजुकेशन है, लव एजुकेशन नहीं है। लेकिन लव के मामले में हर कोई ये क्यों सोच रहा है कि ये ऑटोमेशन पे हो जाएगा? रिश्तों के बारे में कोई ये क्यों सोच रहा है कि इसके बारे में किसी को सिखाने की या इस पर बात करने की या इस पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो माँ के पेट से सीख के आए हैं सबके सब, अपने आप चला लेंगे। रिश्तों में कितनी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, कितने हर्डल्स आते हैं, मुंबई की रोड में जितने पॉट होल्स हैं उससे ज़्यादा पॉट होल्स रिश्तों में आते हैं, उनको कैसे भरना है, उससे कैसे उभरना है, उससे कैसे आगे बढ़ना है। तो हमने कहा यार हम लव गुरु तो है नहीं, लेकिन हम अपने पॉट होल्स, अपने रिश्ते को हमने कैसे बांध के रखा वो दुनिया को बताते हैं, और बताते बताते इतना मोटिवेशन आ गया कि अब रुकेंगे नहीं इसमें, अब दुनिया को हमारे इस चैनल के थ्रू, हम भी स्टूडेंट्स ऑफ लव, आप भी स्टूडेंट्स ऑफ लव, और सब लव के स्टूडेंट्स बन के इस चैनल को शुरू करेंगे। और उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कोई भी चीज़ सीखने की, कोई एग्जाम्पल ले लो ना, मुझे IPS बनना है, यार IPS कौन बना, ऐसे बना, उसने क्या किया, उसने ऐसे किया, तो चलो इस राह पे चलते हैं। तो इसलिए हमने कहा हम रिश्तों में प्रेम कहानियां सुनाते हैं। जिंदगी में कभी रिश्तों में अटक जाओगे, और जब अटक जाओगे तो मेरी कही हुई किसी कहानी की कोई बात अगर याद आ गई और आगे बढ़ गए, तो बस मैं सोचूंगा सक्सेसफुल हो गया हमारा चैनल। तालियों के साथ